हेलो एंड वेलकम माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर एक बार माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने PHQ के साथ एक बैठक की और उसमें 4296 आरक्षक के पदों पर भर्ती करने को मंजूरी दी। फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने कहीं कहीं पर आरक्षक की जगह SI बोल दिया था, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बात यह है कि सरकार ने 3 साल बाद मात्र 4296 पदों पर ही भर्ती करने का प्रस्ताव दिया है। दोस्तों, हम उम्मीद लगा रहे थे कि 3 साल बाद अगर वैकेंसी आ रही हैं तो 15 से 20 हज़ार पदों पर भर्ती की जाएगी, क्योंकि कई समय या कई मौक़ों पर सरकार ने खुद न्यूज़पेपर में यह बात बताई, न्यूज़ एजेंसियों को बताई कि हमारे पास 50 हज़ार के समथिंग पुलिस के पद खाली हैं, हम 15 हज़ार से 20 हज़ार पदों पर पुलिस की भर्ती करेंगे और बहुत अधिक संख्या में ये भर्तियां निकाली जाएंगी। लेकिन 3 साल बाद अगर भर्ती आई तो उसकी संख्या है, वो भी आरक्षक के पदों की, मात्र 4296 यानी कि 43, जो कि काफ़ी समय से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत निराश करती है, क्योंकि लगभग 1-1.5 साल से तो मध्य प्रदेश सरकार में कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं आई है और आई तो मात्र मामूली 4296। हमारी सरकार से यही विनती है कि इन पदों की संख्या को बढ़ाए और कम से कम 10 से 15 हज़ार आरक्षक के पद और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हो सके तो SI के पदों पर भर्ती करे, क्योंकि काफ़ी समय से छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन पैदा करेंगे। इसके अलावा जो 4296 पदों पर अगर भर्ती का आदेश दिया है तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो कि 3 साल से जो आदेश दिए जा रहे हैं वो उसी तरीके से रहें और एक चुनावी प्रक्रिया में उलझ कर रह जाएँ, यानी कि उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही इसको लेकर संजीदा होकर नोटिफिकेशन यानी कि नियम पुस्तिका जारी करेगी, फॉर्म डालना स्टार्ट करेगी और जल्द से जल्द पेपर कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि काफ़ी समय बीतता जा रहा है और काफ़ी स्टूडेंट जो कि इसका इंतज़ार कर रहे थे वो एज के रूप में भी ओवर एज होते जा रहे हैं। तो यही एक मेरी गवर्नमेंट से यानी कि सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन जारी कर भर्ती का प्रस्ताव करें। तो यहाँ पर आप यही समझेंगे कि 4296 पद हैं और इसका केवल आदेश दिया है, ना कि भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। जैसे ही नोटिफिकेशन या इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।